दोस्तों, अगर आप भी शाकिब अल हसन और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से हारने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का टूटा दिल, पाकिस्तान को हराने के लिए भारत से की सनसनीखेज अपील। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हार के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों का दर्द छलक उठा है। इस दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराने के लिए भारत से बड़ी अपील करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल होगा। तो आखिरकार बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारत को सपोर्ट करते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शाकिब अल हसन में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को रोमांचक मैच खेला गया जिसमें बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 38.4 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट होकर अपने विकेट दे दिए। हालांकि इसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम ने इस लक्ष्य को 39.3 ओवर में अपने नाम कर लिया, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम अंक तालिका में सबसे ऊपर आ गई। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ 10 सितंबर को मैच खेलना है जिसके लिए भारतीय टीम तैयार है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को हराने को लेकर बड़ा बयान जारी किया, जिसमें लिटन दास ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर हम सभी की निगाहें रखे हुए हैं। हालांकि हमें पाकिस्तान की टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब भारत की टीम से हमें उम्मीद है कि हम वो हमारी टीम का बदला पाकिस्तान से अवश्य ले लेंगे, क्योंकि हमारी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की टीम को हराने का साथ सिर्फ भारत इस समय कर सकता है। तो वहीं कप्तान शाकिब अल हसन ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा, उसको देख मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे नहीं लगता कि इस समय पाकिस्तान की टीम को एशिया कप जीतने से कोई रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम से अब हमें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम को कोई हारने का साहस रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम है। भारतीय टीम के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान कमजोर साबित रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल और हमारी टीम की हार का बदला भी पूरा कर लेगी। तो वहीं बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैच तो रोमांचक होगा, लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम आगे आए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ हार मिलती है तो हमें अंक तालिका में काफी फायदा होगा और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम का घमंड भारतीय टीम तोड़ दे, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम शानदार फॉर्म भी टूट जाएगा और पाकिस्तान इस बार एशिया कप को अपने नाम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करते हुए बांग्लादेश का बदला पूरा कर सकती है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।